श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, देश कमल बजरंग दल, देश कमल बजरंग दल। अब आपने देखा होगा कुछ लोग भारत माता की जय बोलने से भी कतराते हैं, तो जब उनको भारत माता में ही आस्था नहीं है, तो इस प्रकार से हम एक मैसेज हिंदू समाज में देना चाहते हैं कि अपना त्योहार अपनों से व्यवहार, अपना व्यापार अपने वालों से ही करें। अच्छा, तो दिवाली पे हिंदुओं से ही सिर्फ हाँ, हिंदुओं से ही लें। पूरा पूरा समर्थन है, क्योंकि हिंदू समाज को, हिंदुओं को बढ़ाने के लिए ये पहल करना जरूरी है। गरीब हिंदू के यहाँ से अगर हम खरीदारी करेंगे जिससे कि वो भी दिवाली मना सके, उसकी भी दीपावली परिवार सहित मन सके, इसलिए ये पोस्टर लगाए गए। हिंदू जागरूक होगा, ऐसी पहले हम हर त्यौहार पे करना चाहिए, होली हो, दीपावली हो, रक्षाबंधन हो, अंधन को अपन क्यों व्यवहार करें, हम अपनों से व्यवहार करें ना। जो ये दीपावली मात्र दीपावली नहीं है, केवल फटाके फोड़ने या एंजॉय का त्यौहार नहीं है, ये हमारी आस्था का भी त्यौहार है। नमस्कार, मैं अनुराग पांडे, आप देख रहे हैं न्यूज 18 लोकल मध्य प्रदेश। और इस समय दिवाली अपने पूरे खुमार पे आ चुकी है, परसों दिवाली है, आज धनतेरस है। तो सबसे पहले हमारे न्यूज 18 के सभी दर्शकों को धनतेरस की बहुत शुभकामनाएं। बात करें तो एक नया बखेड़ा खड़ा हो गया भोपाल में, और बजरंग दल जो विश्व हिंदू परिषद की एक छोटी बॉडी है, युवाओं की बॉडी है, उस बॉडी ने एक नया बखेड़ा खड़ा किया है। क्या बखेड़ा, ये उन्हीं से जानते बात करते हैं। जी सर, क्या नाम लिखते हैं? मैं दिनेश यादव। सबसे पहले तो आपके माध्यम से सभी हमारे हिंदू समाज के सभी भाई बहनों को दीपावली और धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी के साथ जो आप जो अभी बखेड़ा बोल रहे हैं, ये बिल्कुल ये पोस्टर है, इसके ये, बारे ये बखेड़ा नहीं है, ये तो एक मैसेज है जो कि हिंदू समाज को कैसे एक किया जाए, कैसे हमारी जो ये दीपावली मात्र दीपावली नहीं है, केवल फटाके फोड़ने या एंजॉय का त्यौहार नहीं है, ये हमारी आस्था का भी त्यौहार है। यहाँ हम पूरे हिंदू समाज का एक एक व्यक्ति परिवार सहित माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करता है, इसमें बहुत आस्था के साथ पवित्र चीजें अर्पण करता है, जैसे कि जिसको हम प्रसादी बोलते हैं, मिठाई के रूप में, फल के रूप में, फूलों के रूप में, इस प्रकार की सब चीजों को एकत्रित करके प्रसाद जो हम पूजा के माध्यम से माता लक्ष्मी चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं, तो वो कहीं अशुद्ध ना हो, इसकी भी चिंता हम सभी लोगों को करना चाहिए। इसीलिए उसमें, उस पवित्र प्रसादी में कौन इसकी पवित्रता का ध्यान रखेगा, ये केवल हमारे, हम जो जिस प्रकार आस्था रखते हैं, इसी प्रकार सामने वाला भी जो प्रसाद बेच रहा है आज मार्केट में, उसको भी आस्था रखना चाहिए। तो इसीलिए हमारा ये मैसेज भी था, और हमारा त्यौहार है। अब आपने देखा होगा कुछ लोग भारत माता की जय बोलने से भी कतराते हैं, तो जब उनको भारत माता में ही आस्था नहीं है, तो इस प्रकार से हम एक मैसेज हिंदू समाज में देना चाहते हैं कि अपना त्यौहार अपनों से व्यवहार, जिससे कि हम जिस प्रकार दीपावली की शॉपिंग करते हैं, मान लीजिए थोड़ा सा है ना, खरीदारी करते हैं, तो अगर हम ऐसे गरीब हिंदू के यहाँ से अगर हम खरीदारी करेंगे जिससे कि वो भी दिवाली मना सके, उसकी भी दीपावली परिवार सहित मन सके, इसलिए ये पोस्टर लगाए गए। विपक्ष, जहाँ तक बात करें, जो विपक्ष में प्रमुख पार्टियां कहती रहती, बजरंग दल हमेशा ऐसा कुछ ना कुछ करता रहता है और ये सौहार्द बिगाड़ता है बजरंग। तो मैं बोलना चाहूंगा कि ये किसी पार्टी विशेष के लिए नहीं है, ये तो हिंदू समाज का त्यौहार है, हिंदू समाज को एक मैसेज है, जो कि हर हिंदू समाज इसका कहीं ना कहीं इसका स्वागत ही कर रहा है कि हाँ ये सही मैसेज है, ये हिंदू समाज को इसी प्रकार मिलजुल कर अपना कार्यक्रम, विशेष अन्य समुदाय के लोग भी अपने त्योहारों के लिए मैसेज देते हैं, तो इस प्रकार हिंदुओं ने भी एक मैसेज मार्केट में दिया है कि इस प्रकार हम सब लोगों को अपना त्यौहार अपने ही भाइयों के साथ अपना व्यवहार और अपना व्यवसाय भी करना चाहिए। अच्छा, कहने की बात करें, दिवाली तो एक ऐसा साल भर में सबसे बड़े त्योहारों में से एक है, इसमें तो सभी को आजादी रहनी चाहिए, जो जिससे खरीदना चाहे खरीद ले। बिल्कुल आजादी है, हम कब रोक रहे हैं कि आप रोको मत लो इससे, हम तो केवल एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि ऐसी जगह से लीजिए ना जो भी वो खुद भी दिवाली मना सके, हम ये भी तो कर सकते हैं, लेकिन लोग स्वतंत्र हैं, जहां से बिल्कुल बिल्कुल स्वतंत्र हैं, अपनी स्वेच्छा है, अपनी इच्छा है, लेकिन एक समझदारी भी होनी चाहिए। हम जो माता, मैंने बताया ना, जैसे जिस प्रकार प्रसादी हम माता को अर्पण करने वाले हैं, वो प्रसादी अशुद्ध ना हो, वो शुद्ध हो। आपने 50 प्रकार के मैसेज देखे होंगे, हम उस तरफ नहीं बोलना चाहते, लेकिन हम ये जरूर कहना चाहते हैं हमारे समाज में बहुत ऐसे परिवार भी हैं जिनको दीपक जलाने के लिए तेल की आवश्यकता पड़ती है, और वो तेल भी पर्याप्त रूप में उनके पास नहीं होता, तो ऐसे लोगों से हम खरीदारी करेंगे तो उनके यहाँ भी अच्छे से परिवार सहित दीपावली मनाई जा सकेगी।
बिल्कुल न्यूज 18 लोकल के साथ आपसे निकले, धन्यवाद। दिनेश यादव, विभाग संयोजक, बजरंग दल भोपाल, बहुत धन्यवाद। यार देखिए दिवाली जैसे जैसे आ रही है, बजरंग दल ने एक नया पोस्टर विवाद खड़ा कर दिया है, पूरे प्रदेश में बात हो रही है इसकी, पूरे राजधानी में इसके चर्चे हो रहे हैं। क्या ये पोस्टर विवाद है? अब बजरंग दल ने एक पोस्टर लगाया पूरे भोपाल शहर में, जहां पे बात की जा रही है कि अपनों से खरीदी करें, यानी कि जो हिंदू विक्रेता है सिर्फ उन्हीं से खरीदी करें। इसी को लेकर कुछ लोगों से बात करेंगे और जानेंगे उनका क्या पक्ष है, कितना समर्थन दे रहे हैं बजरंग दल के इस अभियान को। जी सर, क्या नाम लिखते हैं? जय श्री राम जी। अजय पाल। अच्छा, कहाँ के निवासी अजय जी आप? जी मंडीदीप। बजरंग दल ने एक पोस्टर लगाया जी, कह रहे हैं कि सिर्फ आप हिंदुओं से खरीदी करें जी, कितना समर्थन? पूरा समर्थन है, क्योंकि हिंदू समाज को, हिंदुओं को बढ़ाने के लिए ये पहल करना जरूरी है, क्योंकि विधर्मी हिंदू समाज का पैसा गलत कार्यों में यूज कर रहे हैं, और ऐसा काम नहीं होना चाहिए कि हिंदू समाज का पैसा हिंदू विरोधी कार्यों में लगे। तो क्या हिंदुओं को बताने की जरूरत है अब कि आप किससे खरीदें किससे ना खरीदें? मैं गोलू माली, बजरंग दल जिला संघ, जिला भोजपुर। बताने की जरूरत भाई साहब ना, टोपी वाले जो प्रसाद बेच रहे हैं हिंदू समाज की, कोई हमारी मंडी में भी नहीं लगी दुकान है, ज्यादा करके मुसलमानों की ज्यादा लगी है। मानो ऐसा होने चाहिए कि हिंदू समाज को हिंदुओं से खरीदारी करनी चाहिए। जी सर, तो बजरंग दल ने जो पोस्टर लगाया है, क्या बोलेंगे इस पोस्टर के बारे में? हिंदुओं को जगाना चाहते हैं कि अपने धर्म के लोगों से ही व्यवहार करें, अन्य धर्म के लोग जब उसका मानते नहीं है तो हम उनसे क्यों व्यवहार करें, अपना व्यापार अपने वालों से ही करें। अच्छा, तो दिवाली पे हिंदुओं से ही सिर्फ खरीदी करें, हिंदुओं से ही लें, अच्छा अन्य धर्म किससे नहीं। क्या नाम लिखते हो भैया? भाई साहब जय श्री राम, ब्रजेश राव। मतलब मैं ये अपने धर्म के लोगों से, देखा आपने पोस्टर देखा? हाँ मैंने देखा है, वो पोस्टर देखा है। मैं अपने धर्म के लोगों से यही कहना चाहूंगा कि जैसे दूसरी कौम के लोग, एक जागरूकता उनमें, वो कोई भी सामान अपने लोगों को देख के ही अपनी दुकानों से सामान खरीदते हैं, ऐसे ही हिंदू लोग देख लें कि भाई ये हमारे धर्म के लोग हैं, उन्हीं लोगों से सामान खरीदें, और बस यही कहना, उन्हीं से खरीदी करनी चाहिए। जी जी, तो समर्थन दे रहे हैं इसको? बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, समर्थन दे रहे हैं। दिवाली में क्यों? दिवाली तो सभी का त्योहार होना चाहिए, देश में तो सबसे बड़ा त्योहार होता है साल का। हाँ, दिवाली विशेष करके हिंदुओं का त्योहार है। इसमें जो है हम भी यही चाहेंगे कि जितनी हो हम एक जागरूक हो, हम हिंदुओं को जागरूक रहना चाहिए। इसके पीछे वजह क्या देखते हैं? बजरंग दल को क्यों ऐसा करना पड़ा? हिंदू इतना जागरूक नहीं है या हिंदुओं में इतनी एकता नहीं है, क्या वजह देखते हैं आप? कहीं कहीं छोटी छोटी कुछ कमियां हैं हम लोगों में, तो उसको धीरे धीरे सुधार होगा, पर हमको जागरूक होना होगा। इस तरह से इन लोगों के उसमें जो है दबाव में आके हर जगह ये लोग अपना वो वर्चस्व बढ़ा रहे हैं, वो हिंदुओं की जो है उसमें कमजोर करने की कोशिश करते हैं, तो इसमें हम लोगों को ताकत, सबको साथ होकर हिंदुओं को जागरूक करना चाहिए। अच्छा, क्या लगता है भाई साहब, ऐसी पहल से होगी एकता बढ़ेगी और हिंदू जागरूक होगा? हिंदू जागरूक होगा, ऐसी पहल हम हर त्यौहार पे करना चाहिए, होली हो, दीपावली हो, रक्षाबंधन हो, अन्य धर्म को अपन क्यों व्यवहार करें, हम अपनों से व्यवहार करें ना, जब वो हमारे धर्म को नहीं मानते तो हम उन्हें क्यों माने। अपनों से खरीदी करें, अपनों से खरीदें। ठीक है, कुछ और लोग हैं, एक दो और लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम लिखते हैं? लाल माल। कैसी मना रहे हैं दिवाली? क्या कर रहे हैं दिवाली में? बढ़िया। भोपाल कैसा लग रहा है दिवाली में? सजा धजा दिख रहा है कि अभी कमी रह गई? कुछ कमी है सर। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। देश का बल बजरंग दल, देश का बल बजरंग दल। देखिए बजरंग दल ने अपने पोस्टर, जो पोस्टर लगाए पूरे शहर भर में, उसके बाद प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। बजरंग दल ने कहा है कि सिर्फ हिंदुओं से खरीदी करें, और इस दिवाली नहीं हर त्योहार में आप सिर्फ हिंदुओं से खरीदी करें, हिंदू जो विक्रेता हैं चाहे वो फुटकर व्यापारी हो या छोटे व्यापारी, आप सिर्फ उनको समर्थन दीजिए। और इसको लेके भोपाल की जनता ने क्या बोला, ये लोकल 18 ने आपको सुनाया है। और ऐसी और ग्राउंड रिपोर्ट्स के लिए जुड़े रहिए मेरे यानी अनुराग के साथ। आप देख रहे थे न्यूज 18 लोकल मध्य प्रदेश।